हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। अभी मैं इन्हें रिपोर्ट करने जा रही थी। मैंने इंडोर प्लांट्स जो वर्टिकल गार्डन में लगा रखे थे तो उसमें से मैंने निकाले हैं, तो मैंने सोचा चलो कुछ तो मैंने लगा दिए, कुछ ये रिपोर्ट करने जा ही रही थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना दूँ। ये देख रहे हैं, ये हॉरिजेंटली बढ़ते हैं, वर्टिकल में नहीं बढ़ते, ये राइजोम इनके निकलते रहते हैं, साइड से बेबी पप्स भी कह सकते हैं। तो ये हॉरिजेंटल में निकलते रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और ये एक में उसमें मेरे कई करीब 6-7 प्लांट निकल के आए हैं, जो मैंने पेंट के जो 1 लीटर के डिब्बे होते हैं उनमें लगाए थे वर्टिकल गार्डन में। तो ये देखो कितने ढेर सारे प्लांट बन गए हैं। तो अगर आपके प्लांटर में कंजेस्टेड एरिया हो गया हो और या रूट बाउंड हो रही हो तो इस तरह से आप निकाल दो इसे, तो आराम से ये हाथ से ही टूट जाते हैं। और अगर आप कैंची से कट करना चाहते हो तो कैंची से भी कट कर सकते हैं। अभी मौसम अच्छा हो रहा है तो आप आराम से इन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। इनके नीचे की सारी पत्तियाँ निकाल दो, सारी जो बेकार है। और देख रहे हैं आप इसमें पूरे कैटरपिलर लगे हुए, फिर भी मैंने दवाई वगैरह कुछ नहीं छिड़की है, ना केमिकल छिड़का है। मेरे सारे नींबू के प्लांट भी ऐसे ही हो गए, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी कैटरपिलर अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जीव हत्या करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस तरह से नीचे की पत्तियाँ सारी निकाल करके और लगा दो, है ना। और इसके ऊपर मैं ये बचा हुआ 21 मैं इसी में वर्टिकल गार्डन के डिब्बों में लगा दूंगी। ये 1 लीटर के पेंट है उनमें। और ये मैंने कलांचो लगाया है, रेड कलर का देसी कलांचो है। तो अगर आप इसमें एक साथ 2 प्लांट लगा रहे हैं तो उनका नेचर एक जैसा होना चाहिए। अब आप देखिए इसमें ये सेंसवेरिया का भी नेचर शेड में रहने का है, और इसने तो ये स्नैक प्लांट है और कलांचो, इन दोनों का नेचर एक जैसा है। तो आप एक साथ लगा सकते हैं, दोनों के शेड में रहना पसंद है और दोनों को कम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक साथ एक जैसे नेचर का प्लांट लगाइए। तो मैं इसी के ऊपर रख दूँगी। इसमें मेरा पाइप लगा हुआ था जो बंदरों ने तोड़ दिया, मेरा बहुत नुकसान किया बंदरों ने। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसमें पूरी तरह से अच्छे से पानी भर देंगे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं हम तो पूरी तरह से पानी रख देंगे और भर के और इसे शेड में ही रखेंगे। नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।